हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान सुबह के समय दी गई छूट के समय कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। इसी के चलते जिला प्रशासन ने दुकानों के बाहर सर्कल लगाकर लोगों को 1 से 1.5 मीटर के फासले में ही रहकर खरीदार करने की हिदायत दी है। इस दौरान बाकायदा पुलिसकर्मी ने भी बाजार का दौरा करके दुकानों के बाहर स्थिति का जायजा लिया है और सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की है। हमीरपुर बाजार में SHO संजीव गौतम की अगुवाई में टीम ने दौरा किया और इस दौरान जिन दुकानदारों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था उन्हें जमकर लताड़ भी लगाई। SHO संजीव गौतम ने जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और घरों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। उन्होंने कहा कि अगर लोग बार बार कहने पर नहीं मानेंगे तो पुलिस भी सख्ती पर उतर आएगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो कर्फ्यू की स्थिति है ये लॉकडाउन के बाद की स्थिति है और ये तभी आई जब जनता अपनी जो दायित्व है उसको नहीं समझ पा रही है। हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो कृपया अननेसेसरीली घर से बाहर ना आए। घर से केवल एक व्यक्ति आवश्यकता की स्थिति में ही आए। जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो घर से केवल एक व्यक्ति जो सबसे स्वस्थ हो वही निकले। यदि कोई बुजुर्ग ऐसा हो इलाके में, मैं अपने थाना क्षेत्र के लिए आपको बता दूं कि यदि कोई बुजुर्ग ऐसा है जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकता है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो वो थाना हमीरपुर में के लैंडलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकता है, फेसबुक पे मेरा नंबर अवेलेबल है। हम उसकी आपूर्ति जो है उसके घर में जाके करेंगे। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग घर में हैं, वो केवल एक व्यक्ति बाजार आए, एक साथ सारी चीज़ें लेकर वो घर चला जाए और 2-3-4 दिन का सामान लेके जाए ताकि मूवमेंट कम से कम हो। लग्जरी की तरफ जोड़ रहे हैं और इस संकट की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये स्थिति ऐसी ही रहती है तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे और किसी भी स्थिति में हम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, चाहे हमें कोई भी कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़े। वहीं स्थानीय लोगों ने भी जिला प्रशासन की दुकानों के बाहर सर्कल लगाकर खरीदारी करने के लिए की गई पहल की सराहना की है। लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से उठाया जा रहा कदम बहुत ही अच्छा है और इससे लोगों को पता चलेगा कि किस तरह एक दूसरे से दूरी बनानी है। ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जो यह कदम उठाया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। इससे लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि कितनी दूरी हमें मेंटेन करनी चाहिए। पहले भी हमने देखा, वैसे तो यहाँ पे लोग काफ़ी अवेयर्ड है, अपने आप ही मेंटेन कर रहे थे, परंतु ये जो आज कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक पहल की गई है बहुत अच्छी है और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सरकार ने जो कोरोना वायरस को लड़ने के लिए सबको आगाह किया है, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है सरकार की तरफ। दिनों दिन जो है वो कोरोना जो है वो बहुत बुरे हाल से फैल रहा है। आज की अगर खबर देखें तो आज 627 केस जो हैं वो कोरोना के हिंदुस्तान में हो गए हैं और कल की तारीख में 117 नए मामले आए हैं। तो मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि वो एहतियात बरतें और मेरा गुजारिश रहेगा MP और MLA महोदय से भी कि वो इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर की सुविधाएं प्रदान करें, सैनिटाइज़र और डॉक्टरों के लिए PPE जो है वो जल्दी से जल्दी जो है प्रोवाइड कराएँ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो लोगों की जान बचा सकती हैं। तो मेरा सारे देश के सांसदों से और अपने MLO से अनुरोध है कि वो इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर का जो है वो प्रावधान करें। नगर परिषद के सफाई अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान लोग दुकानों के बाहर भीड़ जमा कर रहे थे, लेकिन अब हर दुकान के बाहर सर्कल बनाए गए हैं जिससे लोगों में दूरी बनी रहेगी और कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। ये जो पब्लिक आ रही है सुबह 7 से 10 बजे तक छूट दी गई है, इसमें सभी लोग करियाने और हॉस्पिटल की दुकानों पर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 1-1 मीटर की दूरी पर हम 1.5-1.5 मीटर की दूरी पर हम राउंड लगा रहे हैं, उसके आगे नहीं कोई आदमी जाए इसके लिए लगा रहे हैं सर।